Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics lecturer, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to discuss with you market economy. And I will teach you what is market economy, what is called a free will in economics, what are the market forces, some examples of USA, the criticism on the market economic system, and the solution of the criticism on the market economic system. The lecture is going to be in Urdu language. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। आइए जी मूव करते हैं। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था इकोनॉमी पे, व्हाट इज कॉल्ड एन इकोनॉमी। उसमें मैंने आपको समझाया था व्हाट इज एन इकोनॉमी, हाउ द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा, ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, जाके देखिएगा। इकोनॉमी को पहले समझें, फिर समझें कि इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कितनी तरह की इकोनॉमीज होती हैं। जिसमें पहली इकोनॉमी मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ वो है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। मार्केट इकोनॉमी होती क्या है? इट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू फ्रीली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द मार्केट। देखो, ये फ्रीली एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि फ्री में बगैर पैसों के या बगैर किसी चीज या बार्टर सिस्टम के बगैर जो है वो गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होने लगती है। इसका मतलब है फ्रीली का मतलब ये होता है विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस के बगैर। दिस इज कॉल्ड फ्रीली, ठीक है। फ्री ऑपरेशंस इन द मार्केट, इसका मतलब ये होता है द प्राइस and the availability of goods and services। देखो, ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सेट होती हैं डिमांड एंड सप्लाई इन दोनों के बैलेंस से। ये सेट करती हैं कौन? मार्केट फोर्सेज जो मार्केट के अंदर ऑपरेट हो रही हैं। गवर्नमेंट का मार्केट इकोनॉमी में इंटरवेंशन नहीं होता, बात को समझना। अब इससे अगले स्टेप पे चलते हैं। देखो, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, ये दोनों चीज़ें सप्लाई एंड डिमांड की जो है वो तनाजुर से तय होती हैं कि कितनी प्राइस चार्ज की जाएगी इस गुड और सर्विस की और कितनी सप्लाई की जाएगी इस गुड और सर्विस की। बात समझ आई? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि फ्री विल क्या होता है। In other words, economic decisions and the prices of goods and services are determined by the market forces. ये जो word है ना, market forces, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, अगली slide में आएगा ये। Free will यही होता है कि जो economic decisions हैं prices के, availability of goods and services के, ये खुद तय होते हैं, demand and supply के तनाजुर से तय होते हैं। Freely operate हो रही होती है market, इसे कहते हैं हम free will। यहां गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है, वो हम आगे समझेंगे इसी लेक्चर के अंदर। आगे मूव करते हैं जनाब, मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं। अब ये जुमला मैं बार बार यूज कर रहा हूं इस लेक्चर में कि मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस। तो होती क्या है मार्केट फोर्सेस? मार्केट फोर्सेस आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द मार्केट। अगर क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन के व्हाट आर द मार्केट फोर्सेज, ये रही डेफिनेशन, ठीक है। इसको लिख देना, मेरे ब्लॉग्स आ जाएंगे, नोट्स वगैरह आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ के अंदर, तो उससे आप लोग लिख सकते हैं। बट व्हाट आर द मार्केट फोर्सेज, ये होती हैं। अब देखो, इसको गौर से समझो। मार्केट फोर्सेज आर द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो प्राइस पे एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे असर अंदाज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस। मैंने यहाँ पे मार्केट फोर्स नहीं कहा है, मार्केट फोर्सेस कहा है। तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा ऐसे फैक्टर हैं जो असर अंदाज होते हैं। तो अब समझते हैं कि वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, मार्केट फोर्सेस असल में हैं कौन, कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस पे एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे असर अंदाज होते हैं। वो फैक्टर्स हैं ये रहे। देखो, डिमांड बाय द बायर, कितनी डिमांड मार्केट के अंदर अवेलेबल है,
ये चीज तय करेगी प्राइस को और ये चीज ही तय करेगी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स को और सर्विसेज को. सप्लायर साइड पे सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर, कितनी सप्लाई वो करने को तैयार है उतनी प्राइस पे वो कितनी सप्लाई करने को तैयार है, ये एक और मार्केट फोर्स हो गई. पहली मार्केट फोर्स बायर साइड पे, दूसरी मार्केट फोर्स सप्लायर साइड पे, तीसरी मार्केट फोर्स कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. मार्केट में जो कॉम्पिटिशन होता है ये भी एक तरह एक आपकी मार्केट फोर्स होती है. कंपटीशन से पता चलता है क्योंकि जब एक जैसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सब्स्टिट्यूट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, मार्केट टफ हो जाती है, ऐसी के अंदर प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाती हैं, उन प्राइसेस के ऊपर सप्लाई सप्लाई करने को तैयार है या नहीं है, ये एक मार्केट फोर्स होती है. क्या कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, समझ आई बात? अच्छा, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर, अच्छा अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं मार्केट फोर्सेस. इस वक्त अपने आप को मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर निकालने, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी से इस वक्त अपने आप को बाहर निकाल के सिर्फ मार्केट फोर्सेस को समझें कि व्हाट आर कॉल्ड मार्केट फोर्सेस. ठीक है, तो ये सारी अब गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ऑन जनरल लेवल, ये एक मार्केट फोर्स होती है. गवर्नमेंट किसी चीज पे टैक्स इंपोज कर देती है, किसी चीज पे सब्सिडी दे देती है, किसी चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, किसी चीज को बिल्कुल फ्री कर देती है. तो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं ये डिटरमाइन कर रहे हैं मार्केट में सप्लाई को और उसकी प्राइस को. बात समझ आ रही है? तो ये भी एक मार्केट फोर्स है. अच्छा, करेंसी वैल्यूएशन, ये जब करेंसी नीचे जाती है तो प्राइसेस के ऊपर एक इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट के अंदर. ये जो करेंसी जो चलती है ना बैलेंस के अंदर, डॉलर के बैलेंस में और दूसरी कंट्रीज की करेंसी के बैलेंस, इससे इन्फ्लेशन पैदा होता है. ये भी एक तरह की एक मार्केट फोर्स है, प्राइसेस को डिटरमाइन करती है चीजें महंगी होंगी या सस्ती होंगी. इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, एफडीआई आ रही है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है या नहीं आ रही, ये भी एक तरह की मार्केट फोर्स है. कोई बाहर से फर्म्स इन्वेस्ट करने को तैयार हैं कि नहीं है, क्या जो बाहर की फर्म्स हैं वो आ रही हैं, वो लोकल लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करने को तैयार हैं या नहीं है. अगर वो आ जाएंगी बाहर की फर्म्स और लोकल लेवल पे प्रोडक्शन करने लगेंगी तो इस तरह हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको शदीद कंपटीशन मिलेगा. उस कंपटीशन की वजह से एक फायदा तो यह होगा कि हमारी जो मोनोपोली बनी हुई है या ओलिगोपोली बनी हुई है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो टूटेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आएंगी. लेकिन इसकी एक वजह, इसके एक बहुत संगीन नतीजे ये भी निकल सकते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट बैठ जाए. सही है? तो अब इस ये इन्वेस्टर्स भी एक तरह के मार्केट फोर्स होते हैं. कंट्री रन करना कोई इतना आसान काम नहीं है. अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने शुरू की है, माइक्रो की भी आएंगी वीडियोस, लेकिन अभी मैक्रो शुरू हुई है, अभी तो बहुत लंबा सफर है. ठीक है, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो इकोनॉमी है उस पर कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है, उस पर सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है, उस पर मजहबी इन्फ्लुएंस कैसा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. ये सारी चीज़ें मार्केट फोर्सेस हैं. इस वक्त इनका डायरेक्टली मार्केट इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है. मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइसेस एंड जो सप्लाई तय होती हैं वो इन चीजों के इन्फ्लुएंस की वजह से होती हैं. तो मैंने सोचा कि पहले आपको मार्केट फोर्सेस समझा दूं कि वो क्या होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब. अच्छा जी, अब हम यूएसए की बात करते हैं. देखो, यूएसए एक तरह से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी है और यूएसए असल में एक मिक्स्ड इकोनॉमी है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, इन यूएसए मोस्टली द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स डिटरमाइन व्हाट शुड बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड. ज्यादातर यूएसए के अंदर मार्केट जो है वो मार्केट बेस लेवल पे इकोनॉमी जो है वो रन होती है. कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर तय करते हैं कि यार क्या चीज कितने के अंदर तय होनी है. लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिसको अपने हाथ में गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, वो मैं अगली स्लाइड के अंदर आपको समझाऊंगा. देखो, प्रोड्यूसर्स आर द ओनर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स के ओनर हैं, वो पैदा कर रहे हैं उनकी मर्जी. और जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने परचेजेस के ओनर हैं, वो खरीद रहे हैं उनकी मर्जी. प्रोड्यूसर तय कर रहा है वहां पे कि भाई मैं इतने पे बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा. कंज्यूमर अपनी परचेज का मालिक है, किंग है, वो कहता है मैं इतने पे खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा. लेकिन यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में असल में प्योर मार्केट इकोनॉमी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती. ऐसी मिसालें हैं नहीं. यूएस में भी
सम स्टेट्स के अंदर आप कह सकते हैं, मगर असल में दुनिया में कोई प्योर मार्केट इकोनॉमी नहीं है. मोस्ट कंट्रीज सच एज द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज एंड सो ऑन, जो वेस्ट साइड की कंट्रीज हैं, वो ज्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, अगर मैं आसान करके आपको समझाऊं, कि इट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्लान्ड एंड द मार्केट इकोनॉमी. तो मार्केट इकोनॉमी तो इस वक्त मैं आपको समझा रहा हूं, इसके अगले लेक्चर में मैं आपको प्लान्ड या कमांड इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं वो मैं समझाऊंगा. ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. अब क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म क्या है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी पे? सबसे पहला मसला ये होता है कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज के अंदर मिनिमम लेवल ऑफ सेफ्टी, ये एक सबसे बड़ा इशू होता है. क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे अपना बेनिफिट देखा जा रहा होता है. सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि वर्क प्लेस सेफ्टी या एनवायरमेंटल सेफ्टी, वो एक एनवायरमेंटल सेफ्टी भी है, मगर सिर्फ ये एक छोटा मतलब नहीं है, बल्कि बड़े लेवल के ऊपर सेफ्टी देखी जाती है. बायर साइड पे सेफ्टी, सप्लायर साइड पे सेफ्टी, मार्केट एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एनवायरमेंटल सेफ्टी. अब मार्केट इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि दोनों पार्टीज जो हैं, यानी बायर भी और सप्लायर भी, वो अपना अपना बेनिफिट देख रहे हैं. वो कह रहे हैं खल्ली बल्ली जनाब, जो भी हो हमें तो अपना फायदा चाहिए. तो ऐसी साइड में सेफ्टी जो है वो रिस्क पे आ जाती. दूसरा, एजुकेशनल इनइक्वालिटी हो जाती है. देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, देखो नॉर्मली कंट्रीज में जो इलीट क्लास होती है ना, उनकी कोशिश ये होती है कि नीचे वाले लोग गरीब ही रहें. ठीक है, सबको मैं नहीं कह रहा, अक्सर ऐसा होता है. नहीं चाहती अवाम, नहीं चाहते ऊपर वाले कि नीचे वाले ऊपर आए, नहीं चाहते ऊपर वाले कि नीचे वाले अच्छी तालीम हासिल कर सकें. देखिए जब शऊर आ जाता है ना माशरे में, तो फिर जो ट्रेडिशनल तरीका है हुक्मरानी का, लोग उसके खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, लोग फिर ऑब्जेक्शन करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें शऊर आने लगता है. क्यों हमारे यहाँ ऐसा होता है? जो बाहर लोग जाते हैं वो वापस आने को तैयार नहीं होते, जब वो वापस आते हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया देख के आते हैं वहाँ पर, वो तालीम लेते हैं तो वो शऊर लेते हैं, वो कहते हैं ये क्या हो रहा है. तो अब एजुकेशन इनइक्वालिटी, जब फोर्सेस मार्केट के अंदर जो फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं उसमें गवर्नमेंट की मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी के अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो अब एजुकेशन को भी जो है वो अपने हाथों में ले लिया जाएगा. इनको जाहिल रखो ताकि ये वोट हमें ही दें, नस्ल दर नस्ल हमारे ही गुलाम रहें. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है. अच्छा, बेड हेल्थ सर्विसेज, ये भी हेल्थ सेक्टर बुरी तरह से मुतासर होता है मार्केट इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑपरेशन नहीं हो रही. अब बायर अपना फायदा देख रहा है, वो अपनी दवाएं अपनी मर्जी से देगा. जैसे कि आजकल ये एक नया मसला चल रहा है और इसके खिलाफ दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है कि भाई ये दवाओं के हम नाम क्यों लिखते हैं, हम फॉर्मूला लिख के दें. दवाओं के नाम से ब्रांडिंग पैदा होती है और ब्रांडिंग से फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है. 10 रुपए की दवा 200 रुपए की मार्केट के अंदर बिकती है जनाब. अगर सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया जाएगा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी फार्मा कंपनीज की, ये जो इतने बड़े बड़े इंसेंटिव्स होते हैं. तो क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, तो अब वहां पे क्या हो रहा है कि वो अपनी मर्जी से, जो सप्लायर है वो अपनी मर्जी से चीजों को तय कर रहा है. उसने चीजें हाथ में ले ली, उसने मार्केटिंग अपने हाथ के अंदर ले ली, सप्लाई अपने हाथ में ले ली, उसने अपने जो है वो मेडिकल रैप वालों को लगा दिया, ये जी डॉक्टर्स के पास जाओ, उनसे मिलो, उनको जाके मार्केटिंग करो. अब यहां पर गरीब बेचारा दवा के लिए फिर रहा है, जबकि अगर वो फॉर्मूला डॉक्टर लिख देगा तो 10,000 दवाएं मार्केट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, लोकल मेड दवाएं मौजूद है. तो बात समझ आ रही है आपको, यहां पे समझ आ रही है? क्योंकि ये जो हिस्सा है, स्पेसिफिक हिस्सा, ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम में चल रहा है अगर गवर्नमेंट इसको नहीं कंट्रोल करती. अब कई कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना शुरू किया है, इंक्लूडिंग सम जीसीसी कंट्रीज, वहां पे अब गवर्नमेंट कूद रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ड्रामा क्या हो रहा है, फॉर्मूला लिखो भाई, फॉर्मूला लिखो. तो अब इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं हमारे यहाँ, अल्लाह करे ये बात आ जाए जी. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दीज इशूज. कौन से ये जो इशूज हैं बेसिकली, इनको सॉल्व कैसे किया जाए? गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ता है चीजों को, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है मार्केट में, गवर्नमेंट को कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं. अच्छा, सेंसलेस पॉलिसीज नहीं बनाई जाती, कैलकुलेटेड मेजर्स लिए जाते हैं, कैलकुलेशन की जाती है कि हमारे इस डिसीजन से इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बायर साइड पे, सप्लाई साइड पे, डॉलर साइड, हर तरफ इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट पे, हर तरफ देखना पड़ता है. ये स्टेटमेंट नहीं दिए जा सकते कि थोड़ी सी ही तो महंगाई है, थोड़े अरसे बाद सब कुछ सही हो जाएगा.
खुदा ही खैर करे जनाब ऐसे डिसीजंस पे और ऐसे। अच्छा जनाब, थोड़ी सी और डिटेल्स के अंदर हम जाते हैं क्रिटिसिज्म। अब मसला देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेन एरियाज हैं ना यूएस के अंदर, क्या है कि जो मेन एरियाज हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस उठा लें आप, ब्रिटिश उठा लें आप, कनाडा उठा लें, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं ना, इसके अंदर इन सारे एरियाज को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। वो मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल नहीं करने देती। क्या? होम सेफ्टी रेगुलेशंस, घरों की सेफ्टी, घरों की कटिंग। कभी आपने सुना है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर? मुझे ठंडे दिल से बताएं, डेवलप्ड कंट्रीज़ यूएस में, यूएसए में, यूके में, कनाडा में, कि एक बनी हुई आबादी है और उसको डिक्लेयर कर दिया जाए जी ये तो इलीगल बनी हुई है, इसको गिरा दो। सुना है कभी? कभी नहीं हुआ। जो 1700 सेवनटीन्थ सेंचुरी से, 18वीं सेंचुरी से जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो आज भी बनी हुई हैं। इन्वेस्टमेंट सेफ है, दुबई में भी ऐसे ही है, इन्वेस्टमेंट सेफ है। वहाँ ये नहीं होता कि कोई बिल्डिंग बन गई, कोई आबादी बन गई, बाद में पता चला कि ये तो सब कुछ इलीगल था। तो ये सारे लॉ गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिए। इसमें प्राइवेट है ही, इसमें कोई मार्केट फोर्स ऑपरेट ही नहीं हो रही, गवर्नमेंट के हाथ में जी। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, काले गोरे क्या फ़र्क, और ये सारी चीज़ें जो कानून साजी है बेसिकली, और इस पर जो सजाएं हैं गवर्नमेंट के हाथ में। अब वो अलग बात है कि जब आप ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं तो जनाब वो किसी बेचारे को मार दिया जाता है, वो एक अलग चीज़ है, वो ग्रास रूट लेवल। लेकिन उसकी कानून साजी, उस पर सजा देना, ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा के आवाम अपने हाथ में उस कानून को ले लेती है और फिर उसको जो है वो सज़ा दे देती है। ये बाहर की कंट्रीज़ में नहीं हो सकता कि किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए और उसको जो है वो सज़ा दे दी जाए और कहा जाए कि बस जी हमने इसको जो है वो सज़ा दे दी जो ये डिज़र्व करता था। आवाम अपने हाथ में नहीं ले सकती क्योंकि उसके लिए लॉ वहाँ मौजूद है, वहाँ पर लॉ मौजूद है। पब्लिक एजुकेशन, आवाम को उनके बच्चों को एजुकेशन क्या देनी है, कैसी देनी है, क्वालिटी क्या हो, ये सारा कुछ स्टेट के हाथ में है। ये डिस्कशन यहां पे नहीं हो रहा है कि फ्री देनी है या पैसे लेके देनी है, मगर देनी है ये लाजमी है। कैसे देनी है ये फैसला गवर्नमेंट करेगी। और आला एजुकेशन मिलती है, हमें पता है, यूएस में उठा लें आप, यूके में उठा लें आप, कैनेडा में उठा लें। कनाडा में कोई मर जाए उसको ये परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे के एजुकेशन का क्या होगा, गवर्नमेंट जिम्मेदारी उठाएगी उसकी जब तक कि वो अपनी ग्रेजुएशन करके जॉब पे नहीं खड़ा हो जाता, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी लेगी जनाब, ठीक है ना जी। उसकी बीवी, बच्चे, उसके घर के खर्चे की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो इसलिए क्या कहा जाए जनाब, हमारे जो असल जो कानून थे वो तो वो ले गए सारे। इस पर बनेंगी वीडियोज़, आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, पब्लिक एजुकेशन बनाने में सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बेसिकली अपने हाथ में ले ली हैं ताकि मार्केट एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बायर साइड पे, सप्लायर साइड पे आवाम के साथ ज्यादती ना हो, गवर्नमेंट इन चीज़ों को रेगुलेट करे। इसी तरह से यूएस के अंदर भी अगर आपको याद हो, जब कोविड आया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन $2 trillion का लॉ पास किया कि जो लोग बेरोजगार, भाई किसी की तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए, पैसे नहीं रुकने चाहिए, सब कुछ नॉर्मल चलता रहे। बेसिकली क्या था, उन्होंने मार्केट को अपनी मर्जी से ऑपरेट नहीं होने दिया, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखा। कैसा ना हो कि जनाब लोग जो है अपनी मर्जी से कानून बना लें, इनको निकाल दो, इनकी तनख्वाहें काट दो, इनका ये कर दो। गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ज़रा सुपरवाइज किया तो हालात कोविड के पीक में भी बेहतर रहे। ऑल दो उनकी GDP नीचे आई मगर हालात कंट्रोल से बाहर नहीं निकले। अब क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये डिस्कशन इस वक्त यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, आज के इस लेसन में मैंने आपको ये सारी चीज़ें कवर करवा दी। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ अ मार्केट इकोनॉमी, फ्री विल क्या होती है, मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं, यूएसए की एग्जांपल डिस्कस की, क्रिटिसिज्म ऑन द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम मैंने आपसे डिस्कस किया, एंड सॉल्यूशन ऑफ द क्रिटिसिज्म के उस जो उसके ऊपर क्रिटिक्स हैं, जो उस पर तनकीद है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल्स के साथ समझाया। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कमांड इकोनॉमी। ये था मेरा आज का लेक्चर ऑन द मार्केट इकोनॉमी। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। आगे अगला लेक्चर आ रहा है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम पे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, दूसरों तक इस चैनल को पहुँचा दें, उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।